स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, TSSPTCL साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड में रिक्रूटमेंट आउट हो चुके हैं। फाइनली बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1601 पोस्ट निकल के आ रही है फॉर बीटेक स्टूडेंट के लिए और ITI स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आप सबको क्लियर करते हैं इस वीडियो में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, किन किन ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है, कितना फॉर्म फीस लग रहा है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, सारा वैकेंसी डिटेल्स इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुन कीजिएगा और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खासकर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो मतलब आपने ITI पॉलिटेक्निक बीटेक किसी भी ब्रांच से कहीं से भी कर रखा है और आप चाहते हैं आप सभी तक ऑल इंडिया रिलेटेड कोई टेक्निकल वैकेंसी हो उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी तक पहुंचता रहे, सबसे पहले तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें दोस्तों के पास शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स इस फील्ड से जुड़े हैं, कहने मतलब टेक्निकल वैकेंसी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल सिर्फ सिर्फ टेक्निकल वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बनाया गया है, यहाँ पर इसके अलावा कोई और काम नहीं किया जाता है। तो आप इस चैनल को बट आराम से सब्सक्राइब करके ढेर सारे टेक्निकल वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस के। तो चलिए फ्रेंड क्लियर करते हैं वैकेंसी डिटेल्स। आप सबके सामने हम हैं इसके ऑफिशियल साइट पर और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंस इंजीनियर और नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर लाइनमैन। तो असिस्टेंस इंजीनियर की जो वैकेंसी आई हुई है ये बीटेक स्टूडेंट की वैकेंसी है और ये जो जूनियर इंजीनियर जूनियर लाइनमैन की वैकेंसी है ये ITI स्टूडेंट की वैकेंसी है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बताएं तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी अप्रॉक्सीमेट 48 निकल के आ रही है और लाइनमैन की तो बम्फर वैकेंसी है, यहाँ पे 1500 से ज़्यादा पोस्टें निकल के आ रही हैं लाइनमैन की। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 30/4/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है असिस्टेंस इंजीनियर का और ये पेमेंट होने का जो डेट है 23/2/2023 से लेकर के 15/3/2023 है। अप्लीकेशन स्टार्ट और एंड डेट की अगर हम बात करें तो 23/2/2023 से लेकर के 15/3/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। इसी प्रकार आप लाइनमैन का भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो पेमेंट होने का दिन है और अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो 8/3/2023 से लेकर के 28/3/2023 हो रहा है। ठीक, तो पहले असिस्टेंस इंजीनियर का फॉर्म पहले से ही भरा जाएगा, उसके बाद 8 मार्च से लाइनमैन जूनियर लाइनमैन का फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। यहाँ पर लिंक दे दिया है नीचे, मतलब यहाँ पर देखिए साइड में यहाँ पर लिंक दे दिया है, जब इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा लिंक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल हम आपको ऑफिशियल साइट मतलब इस पेज पे आने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल साइट मतलब यहाँ पे चले आइएगा। तो चलिए आपसे हम वैकेंसी डिटेल्स क्लियर करते हैं, जो नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आप ही डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर लाइनमैन का नोटिफिकेशन आप सबके सामने है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फॉर्म फिलअप का डेट मेंशन है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन है, जैसे आप देख सकते हैं LR की 553 वैकेंसी, GR की 1000 पोस्ट और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखें तो 1553 पोस्ट निकल के आ रही है। एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो 18 से लेकर के 35 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे सैलरी मेंशन है 24,340 रुपये, इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, 480 रुपये जैसे सारा जैसे रहने खाने पीने का खर्च है। ठीक है, तो LR का मतलब अगर हम बताएं तो इसका मतलब होता है लिमिटेड रिक्रूटमेंट और GR का मतलब होता है जनरल रिक्रूटमेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट कह रहा है कि आपकी वैकेंसी कभी भी बढ़ाई घटाई जा सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो जूनियर लाइनमैन का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मस्ट पास SSLC SSC 10th क्लास विथ ITI क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड वायरमैन और 2 ईयर इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, मतलब कुल मिलाकर के ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और वायरमैन से। ठीक, नोट देखिए, अगर इसके बराबर का कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, एज क्राइटेरिया तो आप समझ चुके होंगे 18 से लेकर 35 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। एज रिलेक्सेशन की अगर हम बात कर लें तो आप सभी का जो OBC कैंडिडेट है तो 5 साल का छूट मिलेगा, अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल का छूट मिलेगा, अगर OBC है तो 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक, चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपये प्लस 120 रुपये इंक्लूड रहेगा फॉर OBC और जनरल स्टूडेंट के लिए, लेकिन SC ST स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मतलब 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अब आप सबके सामने नोटिफिकेशन है असिस्टेंस इंजीनियर मतलब BE BTEC के स्टूडेंट के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप डेट मेंशन है जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर अगर हम वैकेंसी डेट देखें तो असिस्टेंस इलेक्ट्रिकल की GR में 48 पोस्ट आई है, टोटल पोस्ट है 48, 18 से लेकर के 44 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इनका देख सकते हैं बहुत अच्छी सैलरी है 64,295 रुपये प्लस उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, तो सैलरी स्टार्ट होगी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख ही चुके हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका BE BTEC होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो यहाँ पर हम कुल देख रहे हैं 1601 पोस्टें आई हुई है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर उन्होंने चाहे ITI या फिर BTEC कर रखा है। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं इस नोटिफिकेशन अपडेट से अब तक आप सभी को थोड़ी बहुत एडवांटेज मिली होगी इस
वैकेंसी के बारे में समझ आई होगी। और भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि आप सभी तक ऑल इंडिया रिलेटेड कोई टेक्निकल वैकेंसी हो, इसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी तक इसी प्रकार पहुंचता रहे, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी तक प्रोवाइड करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।